हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिक्स सेकंड स्टेराइल डोजेस फॉर्म्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेराइल डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की और डी फॉर्म सेकेंड ईयर की भी बहुत सारी वीडियो हैं, मेरी 40 से 50 वीडियो पड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि दोस्तों इससे होता क्या है कि जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप लोग ही मेन हैं, आप लोग नहीं होंगे तो चैनल चलेगा नहीं। तो आप लोग दोस्तों भगवान हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज हम बात करेंगे पेरेंटल डोजेस फॉर्म्स की, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। पेरेंटल प्रिपरेशंस आर दोज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। पेरेंटल जो प्रिपरेशन होते हैं वो ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं दैट आर गिवन बाय अदर देन ओरल रूट, जो ओरल रूट के अलावा दिए जाते हैं। ओरल रूट को छोड़कर जो प्रिपरेशंस दिए जाते हैं उनको हम पेरेंटल प्रिपरेशंस कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हम देखेंगे ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए क्या होता है ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स। आपने देखा होगा जो आईवी के थ्रू दिया जाता है ये, और इसमें वीबो वगैरह लगाया जाता है दोस्तों। तो ये ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर होता है, वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जब रिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है दोस्तों, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की शरीर में कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा ही, तो ये ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स यूज किया जाता है दोस्तों। एंड इंजेक्शंस आर पेरेंटल प्रिपरेशंस। ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स और इंजेक्शन जो होते हैं दोस्तों वो पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें का कि इंजेक्शन आर द स्टेराइल सॉल्यूशंस। इंजेक्शन क्या होते हैं? स्टेराइल सॉल्यूशन होते हैं। स्टेराइल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टेराइल का मतलब होता है कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, वो पहले से स्टेराइल किया हुआ होता है। और सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स, ये जो इंजेक्शन होते हैं वो स्टेराइल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन होते हैं ड्रग के इन एक्वस और ऑयली व्हीकल। इसका मतलब क्या है? एक्वस और ऑयली व्हीकल का, व्हीकल में होता है दोस्तों साधन हमारा। तो जो व्हीकल होता है इसके माध्यम से ही ड्रग जाती है। आप लोग देखते होंगे कि कुछ इंजेक्शन जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, जिनको बाद में एक लिक्विड होता है उसमें वो मिला के मिक्स करके दिए जाते हैं। तो वो व्हीकल होता है दोस्तों और ड्रग अलग रहती है, वो ड्रग उसमें मिलाई जाती है व्हीकल में, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो व्हीकल का काम होता है कि उस ड्रग को ले जाना, अपनी बॉडी में उस ड्रग को ले जाना। तो कहने का मतलब सीधा सा क्या है दोस्तों, कि जो हमारी ड्रग होती है वो एक्वस या फिर ऑयली व्हीकल में डिसॉल्व होती है और मिंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी। और ये किस लिए बनाया जाता है? बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए बाय मींस, इसका मतलब क्या है, ऑफ एन इंजेक्टेबल नीडल। इस इंजेक्टेबल हम नीडल के द्वारा इसको हम लगाते हैं इंजेक्शंस वगैरह अंडर और थ्रू वन और मोर लेयर्स ऑफ द स्किन, और एक लेयर या फिर अदर लेयर में उसको हम देते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हम उसको लगाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंजेक्शंस शुड बी स्टेराइल। इंजेक्शंस कैसे होने चाहिए? स्टेराइल होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो सीधा हमारे ब्लड में जाते हैं। अगर हम कोई ड्रग ओरल लेते हैं तो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, अब आपने ड्रग सपोज दैट हाथ पे ली, तो हाथ में ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे।
तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ड्रग के साथ हमारे ओरल रूट के माध्यम से स्टमक में चले जाते हैं। स्टमक में होता है HCl जो कि उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अब इंजेक्शन की हम बात करें तो इंजेक्शन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो इंजेक्शन वाली ड्रग होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा ब्लड में जाती हैं और इफ़ेक्ट उनका तुरंत आता है, मतलब कुछ ही सेकंड के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद उसका इफ़ेक्ट शो होने लगता है। तो कहने का वही मतलब है कि इंजेक्शन शुड बी स्टेराइल, इसलिए हमारे जो इंजेक्शन है वो स्टेराइल होने चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है प्लाज्मा से रिलेटेड है दोस्तों ये, एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, और इसमें भी कोई कण या पार्टिकल नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर बड़े पार्टिकल हैं तो निडल के थ्रू पास ही नहीं होंगे दोस्तों, तो वो हमको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, सच एज डस्ट फाइबर्स एक्सेट्रा। ये इस प्रकार के कोई भी पार्टिकल इसमें नहीं होने चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस के लाभ क्या है दोस्तों, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक, जो इसका एक्शन आता है दोस्तों वो बहुत जल्दी आता है, और जब पेशेंट बहुत मतलब दिक्कत में होता है उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंजेक्शन का ही यूज़ करते हैं, टैबलेट नहीं खिलाते उसको, टैबलेट नहीं देते हैं, क्योंकि टैबलेट का जो एक्शन है वो आधा घंटे या 20 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन इंजेक्शन का जो होता है दोस्तों एक्शन वो तुरंत स्टार्ट होता है, इसलिए इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक, मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। द ड्रग्स विच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाई ओरल रूट, जो ड्रग हम ओरल रूट के माध्यम से नहीं दे सकते कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, इस रूट के माध्यम से हम उनको दे सकते हैं। द ड्रग एक्शन कैन बी प्रोलोंग्ड बाय मॉडिफाइंग द फॉर्मुलेशन, अगर हम फॉर्मुलेशन को मॉडिफाई करेंगे तो ड्रग का जो एक्शन होगा वो बढ़ सकता है दोस्तों, बढ़ जाएगा। ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अब ट्रांसफ्यूजन जो फ्लूइड होता है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पहले बता चुके हैं, सच एज सोडियम क्लोराइड होता है, कैन बी गिवन बाय दिस रूट, इस रूट से दिया जाता है सोडियम क्लोराइड, इस रूट से हम देंगे देते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो इंजेक्शन काउज पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, तो इसका डिसएडवांटेज ये सबसे बड़ा है दोस्तों कि जो इंजेक्शन होता है वो पेन काउज करता है, पेन का कार्ड बनता है जहाँ पे हम उसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेंड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर्ड द ड्रग, और इसमें क्या होता है एक ट्रेंड पर्सन, अब हर कोई तो इंजेक्शन लगा नहीं सकता, और टैबलेट में क्या होता है उसको भाई आपने दे दिया उसको, वो आराम से उसको बता दिया, उसको पता वो टाइम पे खा लेगा, लेकिन इंजेक्शन जो होता है उसमें एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है दोस्तों, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग थ्रू रॉन्ग रूट ऑफ इंजेक्शन में प्रूव टू बी फटल, तो इसका अगर रॉन्ग रूट है दोस्तों, अगर रॉन्ग रूट के थ्रू ये ड्रग लगा दी जाती है तो इंजेक्शन क्या करेगा, टू बी फटल, प्रूव करेगा फटल को। इट इज डिफिकल्ट टू सेव अ पेशेंट, पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है जब ओवरडोज दे देते हैं हम, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों। बचाना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, ब्लड में चली गई ड्रग तुरंत सर्कुलेट हो जाएगी और वो अपना इफेक्ट शो करने लगेगी दोस्तों। उसके बाद में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कौन कौन से रूट्स होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। द वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस आर एज फॉलोज, बहुत सारे रूट्स होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो हम वन बाई वन देखेंगे। इसमें सबसे पहला है इंट्राडर्मल, इसको इंट्राक्यूटेनियस भी कहते हैं इंजेक्शन, तो इसमें क्या होता है दीज आर गिवेन इन बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ये किसके बीच में दिए जाते हैं इंजेक्शन, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्किन ऑफ द लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म की स्किन इज यूजली सिलेक्टेड फॉर गिविंग द इंजेक्शन। जो लेफ्ट फोर आर्म की स्किन होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं इंजेक्शन देने के लिए। उसके बाद में जनरली 0.1 to 0.2 ml ऑफ पेरेंटल सोल्यूशन इज इंजेक्टेड बाय दिस रूट। इस रूट से कितना हम सोल्यूशन इंजेक्ट कराएंगे, 0.1 से 0.2 ml सोल्यूशन ही इस रूट से हम इंजेक्ट कराएंगे। द रूट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ये जो रूट है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है हमारा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस, सबक्यूटेनियस में जो लगाए जाएंगे, ठीक। दीज आर मेड अंडर द स्किन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाने के लिए इंजेक्शन बनाए जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 ml और लेस, 1 ml से भी कम, 1 ml या फिर 1 ml से भी कम इज यूजली इंजेक्टेड इंटू द अपर आर्म। अपर आर्म में हम 1 ml या 1 ml से कम वॉल्यूम को इंजेक्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर रूट, ये बहुत ही पॉपुलर है रूट बिकॉज इट इज कन्वीनियंट। किसके कारण, क्योंकि ये कन्वीनियंट है फॉर द पेशेंट एंड द डॉक्टर, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी ये अच्छा है, इसलिए ये पॉपुलर रूट है। थर्ड हमारा क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट इंजेक्शंस। तो दीज इंजेक्शंस आर गिवन इनटू द मस्कुलर टिश्यू, ये मस्कुलर टिश्यू में इंजेक्शन दिए जाते हैं। वॉल्यूम अप टू 2 ml इज एडमिनिस्टर्ड, 2 ml हम वॉल्यूम एडमिनिस्टर्ड करते हैं इस रूट से। एंड शुड नॉट एक्सीड 4 ml एट वन साइड, एक ही जगह पे 4 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैल्यू। उसके बाद में दोस्तों क्या है हमारा, इंट्रावेनस इंजेक्शंस। तो दीज इंजेक्शंस आर मेड इनटू अ वेन, ये वेन के लिए इंजेक्शन बनाए जाते हैं, ये इंजेक्शन जो होते हैं वो वेन में लगाए जाते हैं। एंड देयरफॉर इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ये वाले इंजेक्शन जो थे ये वाले डायरेक्ट नहीं जा रहे, लेकिन जो ये वाले इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है वो वेन के थ्रू देते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली वेन में चला जाता है, मतलब डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में वो चला जाता है दोस्तों इंजेक्शन। द मीडियम बेसिलिक वेन, द मीडियन बेसिलिक वेन नियर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द एल्बो, जो हमारी कोहनी है, एल्बो है, उसके ऊपर, उसके इंटीरियर सरफेस पे मीडियन बेसिलिक वेन को हम सिलेक्ट करते हैं इस इंजेक्शन को लगाने के लिए। बिकॉज इट इज ईजली लोकेटेड, क्योंकि ये हमको आसानी से दिख जाती है। एंड कनेक्ट विद द मेजर वेन ऑफ द आर्म, और ये एक मेजर मेजर वेन से कनेक्ट होती है आर्म के। आगे हम देखेंगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंटल सॉल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम 1 ml टू 500 ml और मोर देन, ये दो बार लिख गया है दोस्तों, सॉरी इसके लिए, मोर देन एक समय का कट कर देते हैं, कैन बी इंजेक्टेड। कहने का मतलब है इस रूट से हम लार्ज वॉल्यूम, मतलब बहुत सारे वॉल्यूम को इंजेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन को, 1 ml से लेकर 500 ml। अब जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स होते हैं इसमें आपने देखा होगा 500 ml की बोतल को वो लोग चढ़ाते हैं, तो इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं। द सस्पेंशन आर ऑयली इंजेक्शंस कैन नॉट बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट, जो सस्पेंशन ऑयली होते हैं, ऑयली इंजेक्शन होते हैं, उनको हम इस रूट से इंजेक्ट नहीं, इस रूट से हम इंजेक्ट नहीं करा सकते, इस रूट से हम इसको नहीं दे सकते। इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शंस,
इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन कौन से होते हैं? दीज आर सिमिलर टू इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये इंट्रावेनस इंजेक्शन के समान होते हैं एंड आर अकेजनली यूज फॉर एन इमीडिएट इफेक्ट इन अ पेरीफेरल एरिया। अब सुनो दोस्तों, इंट्रावेनस क्यों दिए जाते हैं? वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं, उससे भी फास्ट जो ये इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन है एक्शन शो करते हैं, उससे भी फास्ट। ये इमीडिएट इफेक्ट पेरीफेरल एरिया में इमीडिएट तुरंत इफेक्ट के लिए ये लगाए जाते हैं दोस्तों। द इंजेक्शंस आर गिवन डायरेक्टली इन टू द आर्टरी, और ये आर्टरी में दिए जाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट आर्टरी में लगाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन क्या होते हैं? दीज आर गिवन इन टू द हार्ट मसल और वेंटिकल इन एन इमरजेंसी ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केस में ही हार्ट में, हार्ट की मसल में या फिर वेंट्रिकल में लगाए जाते हैं। क्या होता है वो इमरजेंसी? जैसे कि कार्डियक अरेस्ट में हम लगाते हैं इंजेक्शन। इंट्राथीकल इंजेक्शन, इसमें क्या होता है? दीज आर मेड इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस, ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में देने के लिए बनाए जाते हैं। सब अरेक्नॉइड स्पेस का मतलब क्या होता है? ये कहाँ होता है? दैट सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक दोस्तों, दिस रूट इज यूज्ड फॉर गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया, और ये जो रूट है दोस्तों वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में दिया जाता है। तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन हो गया हमारा पेरेंटल प्रिपरेशंस का। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे इसके आगे की। तो ये फर्स्ट वीडियो है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट।